सब्जियों के दाम संभले हैं और जिससे लेकिन दालों, अनाज, मसालों और दूध उत्पादों के दाम बढ़े हुए हैं। तो सब्जियों के दाम घटने का असर खुदरा महंगाई दर पर देखा जा रहा है। खाने पीने की कुछ चीज़ों पर जो दाम हैं वो बढ़ेंगे, इसकी चिंता बरकरार है। तो सरकार की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि खुदराई महंगाई दर 7% से नीचे आई है। एनएसओ के मुताबिक अगस्त में खुदरा महंगाई दर 6.83% रही, खासतौर पर सब्जियों के दाम घटने से जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक कम हुआ है, अगस्त में 9.94% रहा जो जुलाई में 11.51% था। तो सब्जियों की महंगाई दर में कमी आई है, अगस्त में बता दें कि 26.1% रही जबकि जुलाई में ये 37.4% थी। आपको याद होगा तब टमाटर इतना महंगा हो गया था, सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, लेकिन अब ये 37 से गिरकर 26 में अगस्त में आ गई 26%, लेकिन फिर भी महंगी हैं ही सब्जियां। उधर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जिन 61 बेसिस पॉइंट्स में गिरावट देखी गई थी उनमें से 28 इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में महंगाई बरकरार है। आपको बता दें अनाज में ये 11.85% है, दालों में 13.4% से ज़्यादा है, मसालों में 23% से ज़्यादा है, दूध और दूध के जो उत्पाद हैं उनमें 7% से ज़्यादा है। तो साफ है कि खाने पीने से महंगाई का जो खतरा है वो उसमें बना हुआ है और महंगाई बनी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खाद्य सचिव, आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए सिराज हुसैन साहब जो पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये महंगाई दर जो है, हालांकि कुछ कमी भी आई है जिस तरह से सब्जियों के दाम कम संभले हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सब्जियों में जो गरीब लोग हैं वो एक सब्जी की जगह दूसरी सब्जी में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन गेहूं और चावल की जरूरत सारे लोगों को रहती है। गेहूं में जो इन्फ्लेशन है उसको सरकार बहुत आसानी से कम कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर। बहुत दिनों से इकोनॉमिस्ट इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप गेहूं पर 40% से ड्यूटी घटाकर 0% या 5-10% कर दीजिए। वो अभी तक नहीं किया गया है, बल्कि बार बार स्टॉक लिमिट में कमी की जा रही है जिससे कि ये समझा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट लगाने से या स्टॉक कम करने से इस पर काबू पाया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को फौरन इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पर कम कर देनी चाहिए। जहां तक दालों का सवाल है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, कई देशों के साथ हमने एमओयू साइन किए थे, वो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि उस वहां भी मोजाम्बिक में प्राइसेस बढ़े हुए हैं और वहां की गवर्नमेंट ने भी उस पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है। तो दालों के दाम बहुत इमीडिएटली कम होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दालों का एरिया भी कम है। चावल के केस में हम कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अच्छी बारिश, यहाँ हम इस वक्त लखनऊ में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, अगर चावल का उत्पादन अनुमान के मुताबिक होता है तो मैं समझता हूँ कि चावल का इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जी मैं आपको इस दाल, एक ऐसे कहते हैं लोग कि गरीबों का खाना है दाल, बच्चे पाले एक समय में कहा जाता था, तो दाल के दाम अगर कुछ संभले तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपने गेहूं की बात की सर, तो अभी मैं एक खबर देख रही हूँ कि खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि गेहूं के दाम में पिछले एक महीने में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि गेहूं के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं और कुछ लोग गेहूं की कमी होने का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेहूं पर 12 जून को स्टॉक रखने की सीमा तय की गई थी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ये सिचुएशन जब बनती है इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए जो स्टॉक लिमिट्स होती हैं बेसिकली वो इस आइडिया के साथ लगाई जाती हैं कि लोग होल्डिंग कर रहे हैं और होल्डिंग की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। ये बात किसी हद तक सही हो सकती है, हालांकि हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि अब किसान भी अपना स्टॉक बचा कर रखते हैं इस उम्मीद में कि जब आगे चल के दाम बढ़ेंगे तो हम अच्छे दामों पर अपना गेहूं या चावल या और कोई चीज अनाज बेचेंगे, दालें बेचेंगे। ये हम लोगों की स्टडीज भी दिखाती हैं। अभी भी हम मध्य प्रदेश में एक स्टडी आरकेएस पॉलिसी रिसर्च कर रहा है, उससे भी ये बात सामने आ रही है।
तो अगर हमें देश में सप्लाई बढ़ानी है तो उसका बहुत आसान तरीका है। गेहूं के केस में कुछ मुश्किल नहीं है, ग्लोबली इतना गेहूं अवेलेबल है, रीजनेबल दामों पर अवेलेबल है। अगर उसका इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए तो साउथ इंडियन पोर्ट्स पर और मुंद्रा में और कांडला में गेहूं का इंपोर्ट होगा, उसके दामों पर काबू पाना कुछ बहुत मुश्किल नहीं लगता है। बिल्कुल सर। और अंत में ये कि जो जमाखोर हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली भी क्रिएट हो जाती हैं तमाम चीज़ें, तो जो जमाखोरी है ये अरसे से चली आ रही समस्या है। सरकारें, अब मैं देख रही हूँ, कह रही हैं कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर गहन ध्यान देंगी, लेकिन किस तरह से इस पर बढ़ा जा सकता है? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की यूटिलिटी और उसकी यूजफुलनेस के बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। इससे पहले जब अरविंद सुब्रमण्यन यहाँ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तो एक इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक चैप्टर था इस पे, जिसमें ये कहा गया था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यूजफुल नहीं है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है प्राइसेस को कंट्रोल करने में जितना के सरकारें और कुछ लोग समझते हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें देश में उसकी सप्लाई बढ़ानी होगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक टूल है जिसका के काफी मिसयूज होता है और फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स मुख्तलिफ राज्यों में जाकर चेकिंग करते हैं और तमाम तरह की समस्याएं उससे आती हैं। तो मैं समझता हूं कि वो खाली एक टूल को इस्तेमाल करने से ये समस्या काबू में नहीं आएगी। हमें देश के अंदर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो हमारे फूड सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सब बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने सरकार को ये राय जरूर दी होगी कि वो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें जहां भी इंपोर्ट पॉसिबल है। और चावल के केस में भी मैं समझता हूं कि थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। जो बासमती पर $1,200 का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसकी वजह से बासमती फार्मर्स जिनका धान अब मार्केट में आने वाला है तो उनको दाम कम मिलेंगे। देखिए, ये दोनों चीजें हैं, हमें बैलेंस ये करना है कि कंज्यूमर के दाम भी रीजनेबल रहें और किसान को भी एक मुनासिब दाम मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही सिराज हुसैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।